स्वागत है भाई लोग आज के इस नए वीडियो में। और अपना गरीना फ्री फायर क्लोज हो गया है, साथ में गैस फ्री फायर मैक्स का डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फ्री फायर मैक्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो, साथ में ही गैस जो अपना फ्री फायर गेम है वो कब तक ओपन हो जाएगा या कैसे ओपन होगा, एंड गैस इस OV30 अपडेट के बाद यानी कि जब अपना गेम ओपन हो जाएगा कौन से करेक्टर की कितनी एबिलिटी चेंज हो जाएगी, और साथ में गैस आपको अपने गेम में क्या कुछ चेंज या क्या कुछ अलग और आपको देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता देंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना और भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। सो गाइस सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो यहां पे शेड्यूल दिया गया है कि कब तक फ्री फायर गेम को ऑफ करके रखा जाएगा और कब ऑन किया जाएगा। सो 6:30 बजे गेम को ऑन कर दिया जाएगा, गेम मेंटेनेंस ब्रेक खत्म हो जाएगा और मेंटेनेंस ब्रेक खत्म होने के बाद गेम में आ जाएंगी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें। सो गाइस यार 6:30 तक टाइम नहीं लगेगा, उसके पहले ही ओपन हो जाएगा, मतलब कि 5:45 तक ओपन हो सकता है शायद से मेरे हिसाब से, बाकी इन्होंने तो 6:30 लिख करके रखा है। सो गाइस आफ्टर OV30 अपडेट वकुम की एबिलिटी कम कर दी जाएगी, सो क्या कुछ चेंज आएगा। सो गाइस अगर वो अपना एक्टिव स्किल ऑन करता है तो वो एक गिली जैसा बन जाता है, गिली बस का बन जाता है और कहीं भी ट्रैवल करके किसी को भी मार देता है, ठीक है, क्रोनो शील्ड के अंदर भी वो जा सकता है। एंड ही गाइस आपका जो गोली है वो उससे कनेक्ट नहीं होता डिफॉल्ट के कारण, जो फुल कंट्रोल वाले हैं वो तो मार ही सकते हैं। सो गाइस उसमें क्या कुछ चेंज आएगा, उसकी जो स्पीड है जब वो गिली बस का बनता है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगी, उसका जो स्पीड है उसको 20% कम कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सो गाइस अगर वो स्लो हो जाएगा तो आपकी जो गोली है उससे ज़्यादा कनेक्ट होगी तो उसका जो गिली बस है वो टूट जाएगा और वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो आप उसे मार सकते हो। एंड ही गाइस अगर आप कहीं दूर चले जाते हो या कोई कवर में चले जाते हो तो अगर उसका स्पीड कम हो जाएगा तो वो दूर तक ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा, तो यानी कि जो वकुम चमत्कारी प्लेयर बना हुआ था वो आफ्टर OV30 अपडेट खत्म होने वाला है। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट करेक्टर है जिसका एबिलिटी चेंज हो रहा है वो है हमारा क्रोनो करेक्टर। सो गाइस यार उतना भी मुश्किल नहीं था इसके बारे में सोचना क्योंकि क्रोनो का बहुत बार एबिलिटी चेंज हो चुका है, सो इस बार भी होगा और इस बार इसकी एबिलिटी को और कम कर दी जाएगी, वैसे ऐसे भी कम था। सो गाइस इसका जो मूवमेंट स्पीड था जो 10% कर दिया जाएगा, पहले 15% का था अगर ये आप मैक्स लेवल पे यूज कर रहे हो। साथ में ही गाइस अगर ये अपना ग्लोब बनाकर उसमें 8 सेकंड तक खड़ा रह सकता था मैक्स लेवल पे, सो गाइस अब ये 5 सेकंड तक ही खड़ा रह पाएगा, यानी कि जो अपना एबिलिटी है उसको सिर्फ 5 सेकंड तक यूज कर पाएगा। एंड गाइस जो इसका चार्जिंग टाइम था वो था 170 सेकंड, यहाँ पे बढ़ा करके 220 सेकंड यहाँ पे कर दी जाएगी, ठीक है। सो गाइस आपके सामने चार्ट है, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से। एंड गाइस साथ ही बात करें कि अपना जो मैक्स है उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री फायर मैक्स प्री रजिस्ट्रेशन हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, बाकी अपने को डाउनलोड करने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है। सो गाइस उसका अभी तक टाइमिंग नहीं आया है क्योंकि वो OV30 में लॉन्च होगा। एंड गाइस आपको पता है अभी तक OV30 अपना जो है नहीं आया है, इंडियन सर्वर में तो नहीं आया है। सो गाइस अगर अपना OV30 अपडेट कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर में वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, सो गाइस आप फटाफट वहां से डाउनलोड कर लेना। सो गाइस बात करते हैं अपने ब्लू कस्टम के बारे में। अपना जो ब्लू कस्टम है सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अपना मैप रेडी करना होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके बाद गाइस आप इस पे 4v4 खेल सकते हो। सो गाइस ये कैसे मिलेगा और कौन से इवेंट में मिलेगा आफ्टर OV30 अपडेट, सो गाइस इसके बारे में मैंने अपने पहले ही वीडियो में बता रखा है, आपको मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जा करके वहां से देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। सो गाइस ये ब्लू कस्टम का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट में मुझे बताना। एंड गाइस जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया सो गाइस प्लीज़ से लाइक कर दो और इस टाइप के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लो। सो गाइस इसके साथ में आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि जो आपका वेंडिंग मशीन होता है वो अब ड्रॉप जैसा गिरेगा। सो गाइस आपको ये कैसा लगा जरूर से बताना क्योंकि अब आपको वापस से जोन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड जहाँ पे ज़्यादा रश हो रहा है वहाँ पे ही जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ही गाइस आपका जो रिवाइवल प्लेस होता है उसे भी हल्का कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा, जो फाइट जोन होती है उसमें ज़्यादा उसे प्लेस किया जाएगा। सो गाइस ये कैसा लगा ये जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ही गाइस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कल फिर कंटिन्यू कर लेंगे। टाटा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।